पाद फ्री जोन, खुल के पादो पाद मारो। चैनल का नाम रखना था कच्चा मास्टर। एयर इंडिया की, एयर इंडिया की एयर होस्टेस ही लग रही है अभी तक तो। पनीर तो यही बना देंगे नानी आपके लिए, उसके लिए मेरी शादी करा दोगे पनीर के लिए? यहाँ पे आ रखे हम, एक जगह का नाम है और सारे के सारे पैदल पैदल चल के आ रहे हैं। और भाई ऐसी हालत खराब हो रखी है ना, ऐसे होता है जब रिश्तेदार काफी होते हैं और तुम होम टाउन जाते हो, इतने सारे रिश्तेदार होते हैं, सबसे मिलना जरूरी होता है, डिनर करना जरूरी होता है, सब कुछ ही है, हॉर्स राइडिंग से लेके हर चीज यहाँ पे करने को, बट हम कच्छू ना करेंगे भैया, हम चुपचाप खाना खाएंगे। पेट भूख भी नहीं है, वहाँ पे पास्ता इतना हैवी था यार, पर ठीक है, अब जो आ गए तो आ गए, कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा क्योंकि अला कार्ट नहीं है, बाहर ऑलरेडी पेमेंट हो गई है। वो चाचा बोलेंगे बेमतलब के पैसे भरे हैं। खुल के पादो जी, अभी तेरे को दिखाऊंगी एक बोर्ड लगाया हुआ, उसमें एक सरदार जी है, खुल के पादो। कहाँ खुल के पादो? नहीं अंदर वो। अच्छा उसका पाद जोन है, वो पाद जोन है। अच्छा वहाँ पे जाके पादना होता है? अच्छा वहाँ पे, so there is a zone, fart zone, so if you want to fart you can go there and fart। हाँ सच्ची में है। हाँ तो पापा ने लिखा है दो दिन मेरे को, जब भी आप बार बार जा रहे हो। अच्छा तो उधर जाके पादना है, कहीं और नहीं पा सकते? Tell me if you want to fart you have to go there। कुछ भी चार चार स्केयर करो को खड़ा कर दिया बोले पूतिया जंक्शन। पाद फ्री जोन, खुल के पादो पाद मारो जोर दे नाल। अच्छा ये अंदर होगा, यहाँ पे मार रहे होंगे सबके सब। फार्ट फ्री जोन, फर्स्ट आई विल ईट एंड देन आई विल गो इन। ₹10 लगेंगे फोटो खिंचाने। अच्छा शादी में आ रखे भाई, महिंद्रा बी 275, इंजन भी नकली, टायर भी एकदम पंचर हो रहे हैं। ओए आजा मेरी पारो, ओए आजा आजा कुड़िये, ओए एस्केलेटर में पाँव रख रही है। अरे तू तो गड्डी नहीं चलाने देगी छोरी, कितने चलेगी बटिंडा। जो बाबा वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स, मेरा नाम है संजय सिंह रावत और भैया आज हम पहनाने वाले हैं डेमी को। व्हाट वी गोना मेक यू वेयर? सॉरी। नमस्ते नानी, साड़ी रेडी हो गई डेमी तेरी, आजा। क्या खाया? क्या खाया? पाव भाजी। पाव भाजी, पाव भाजी। डेमी का बड़ा मन था कि वो इंडिया आके एक बार साड़ी पहन के देखे, उसको ट्राई करनी थी तो। अरे ये अच्छी लग रही है, ये वाली पहना दो। पिंक पहना दे इसको, ये वाली पहनेगी? हाँ पहना दो, ठीक है ये वाली अच्छी लग रही है। How are you feeling till now? How long does it take to wear? It takes forever. No, no, it will not take long. She is professional. She wears sari like every day. Almost every day. Okay, man, palla hota hai na? Isko bhi pehnana hai kya? Hain? Tu bhi pehnegi pixie? Le, ye to pehna bhi thi. Are abhi kahan pehna hai? Abhi to palla sahi karna hai. Isko shaadi kar lo, kuch bhi kar lo, dhule na to kachche mein jana hai. Bhaiya, hum to kachche mein. Main to kuch bhi kar, ghodi bhi chadunga, kachche mein chadunga. और बिंदी लगा देना, जेवरात पहना देना और फिर हम भाग लेंगे थाईलैंड। जेवरात पहनते ही भागेंगे हम। सिंदूर तो अभी सिंदूर, देखना नानी को देखना जैसे लगाया, ओ भैया हो गई शादी, कितनी जल्दी हो रही, सिंदूर भी लगाना, नहीं तो नहीं लगाएंगे ना, वो तो शादी हो गई, मांग टीका से वैसे भी ढकी जाएगी। सिंदूर लगा लेगा तो बस शादी हो गई। हां वही तो, सिंदूर लगाएगा ना तो शादी हो जाएगी। हां इसलिए कुछ नहीं होता, रिचुअल्स तो पूरे फॉलो करने। हां पूरे तो करने पड़ते हैं, सात फेरे सब कुछ करते हैं, ऐसी शादी करते हैं। नहीं नहीं सात फेरे भी तो होते हैं फिर, गवाही हम होते हैं फिर, गवाह हम हैं, मामी नानी आएंगी सबसे पहले, तो मैंने देखा था सिंदूर लगाते हुए। ये देख सब पूरे इंतजाम करके आ रही है नानी, नानी को तो पता मिलता साड़ी पहनेगी डेमी आज, जैसे बताया ना कि भैया सिंदूर भी लगवाना है फेरे भी।
फरमाई है। मैं पता है याद है मम्मी, आप जब शादी के लिए रेडी होते थे मैं जब छोटा था, आप मेरे को पकड़ा देते नीचे से पकड़े, मम्मी कहती थी हाँ इसको सीधा कर, मोड़ ये क्या बोलते हैं इसको, फॉल प्लेट और उसके बाद यहाँ से इसको ऐसे मुड़वा देती थी नीचे, जिससे ऐसे रहे, है ना। देखा याद है मुझे, अब अभी तक तो वही लग रही है, जब तक इसने वो जेवरात वो सब नहीं पहने ना, तो अभी तो वो लग रही है एयर इंडिया की एयर होस्टेस ही लग रही है अभी तक तो। नमस्ते मामी, अभी तक कैसी लग रही है? एक नंबर की एयर होस्टेस, पूरा नहीं बोला, एक नंबर की एयर होस्टेस। चूड़ी भी तो पहना हो उसका। अरे हाँ, चूड़ियाँ चूड़ियाँ। कैसी लग रही है? बहुत अच्छी, वेरी नाइस, बहुत सुंदर, सुंदर, अति सुंदर। एक डायलॉग बोल रहे हैं पूरी गढ़वाली। यू लुक लाइक उत्तराखंड गर्ल। So what about you? You like sari? Wearing sari is comfortable or what? Not that comfortable. Ah, it's and you don't have to wear it whole day. It's just for special functions or festivals. But what do you think about the outfit? That's good, beautiful. Beautiful, right? And you look good too. और इसका बाबा देखो, अरे पता नहीं तो मैं बाबा लिखवाया था, इसने मेहंदी लिखवाई है। पहले डैमी के साथ सबके फोटो नहीं खींचे। अरे यार डैमी के साथ फोटो तो खींची नहीं। अरे खींच लो, फोटो तो खींची नहीं। ऐसे खींच लो, हाँ ऐसे खींच लो जाओ, चलो फोटो लो। ऐसे ज्यादा अच्छी लग रही है बिना मेकअप वगैरह ना, ज्यादा जेवरात वेवरात। अब ऐसे अब ज्यादा फॉरेनर भी लग रही है। आ जाओ मामी, आप भी आ जाओ। नहीं नहीं अकेले की तो ले लेंगे बाद में उसके लिए। मम्मी आप भी आ जाओ। मामी आप अलग क्यों हो गए? आ जाओ। हाँ ऐसे ज्यादा अच्छी लग रही है ना बिना ज्वेलरी वोलरी की। ये जो मामी और उन्होंने गिफ्ट दिया है डैनी को, यू लाइक इट? वीडियो करते हैं बैंड इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो नहीं किया तुमने अपनी सुंदर सुशील बावड़ को, जाके फॉलो करो स्टे हमारा डिस्कोर पे। बाकी प्लीज सब्सक्राइब इट द लाइक बटन एंड यू नो गाइस व्हाट टू डू। ये कमरा देख लो भैया, बचपन में जहाँ पे जादुई हरकतें करता था तुम्हारा पापा। पनीर तो यही बना देंगे नानी आपके लिए, उसके लिए मेरी शादी करा दोगे पनीर के लिए? मतलब पनीर के लिए शादी करा रहे हो मेरी? है तो कुछ और बनवा देंगे, पर शादी कराना जरूरी थोड़ी ना उसके लिए। नानी बोली हम तो पनीर खाएंगे, तू शादी कर ले।